आज का हमारा टॉपिक है मॉड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम मॉड को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डेटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस को मॉड कहते हैं। ये वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो दिए गए डेटा में ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा आती हैं। मॉड मालूम करने के लिए फार्मूले दिए गए हैं। अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए दिया गया फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मॉड इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डेटा के लिए मॉड मालूम करने के लिए हम दिए गए स्टेप्स को शामिल करेंगे। स्टेप नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप को फाइंड करें। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को FM से डिनोट करते हैं। स्टेप नंबर 2, दिए गए फार्मूला को इस्तेमाल करें। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। दिए गए फार्मूला में F1 और F2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को जाहिर करते हैं, जबकि FM मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास की फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। इनको टेबल में कुछ इस तरह लिखा जाता है। फर्ज करें क्लास A टू B F1, क्लास C टू D FM, क्लास E टू F F2। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शू फॉर द फॉलोइंग डेटा। हम बार बार आने वाली ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे तो मॉड हमारे पास 6 आएगा। अब हम F1, F2, FM, H, L के इस्तेमाल को देखते हैं। L को मॉडल क्लास या ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। H को मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल के साइज के लिए इस्तेमाल करेंगे। FM को मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। F1 को मॉडल क्लास की पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। F2 मॉडल क्लास की सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होगी। चलें अब एक और मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा गया है फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दिया गया डेटा डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है, इसलिए इसका मॉड 2 होगा। इस तरह से x इज इक्वल टू 2 के लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, मतलब ये कि 2 हेड्स बार बार आएंगे। अब हम एक और मिसाल को समझते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें कहा गया है फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट्स ऑफ टॉफी बॉक्सेस इन ग्राम डिटरमिन द मॉडल वेट ऑफ बॉक्सेस। अब यहाँ पर डेटा कॉन्टिन्यूस है तो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज को मालूम करेंगे। पॉइंट बी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास को मालूम करेंगे। आइए अब हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्लासेस या ग्रुप्स का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम गिवन टेबल में दी गई तमाम क्लासेस या ग्रुप्स को लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम क्लास बाउंड्रीज का बनाएंगे। इस कॉलम में हम क्लासेस की फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड वैल्यू में 0.5 ऐड करके लिखेंगे, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्लास 0 to 9 है। तो हम इसकी फर्स्ट वैल्यू 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें -0.5 हासिल होगा, और इसकी सेकंड वैल्यू 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 हासिल होगा। तो इसको -0.5 to 9.5 इस तरह क्लास बाउंड्रीज के कॉलम में लिखेंगे। फिर इस तरह ही नेक्स्ट क्लास की फर्स्ट वैल्यू 10 में से 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड वैल्यू 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो हमें 9.5 to 19.5 हासिल होगा। फिर हम इसी मेथड के साथ तमाम वैल्यूज को हासिल करके कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज दिए गए टेबल में दी गई हैं, इसलिए हम उनको ही यूज करेंगे और लास्ट में हम फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेंगे। इस तरह हम टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक टेबल में से हमने जो कुछ हासिल किया वो ये है। मॉडल क्लास आर ग्रुप इज इक्वल टू 9.5 to 19.5। F1 इज इक्वल टू 2, F2 इज इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 10, L इज इक्वल टू 9.5 एंड FM इज इक्वल टू 10। अब हम इन तमाम वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे।
फॉर्मूला में पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल हो जाएगा। 9.5 में 6.134 को ऐड करने से हमें मॉड की वैल्यू 15.654 हासिल होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा मॉड का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। अब हम अगली वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।